वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज आपको दिखाएंगे स्टेडफोर्ड। ये यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन, ट्रेन स्टेशन है। बाया जान, ये क्या है? ये स्टेडफोर्ड का ये एक्सटेंशन है, सेंटर आई साइड पे, और ये सामने हम जा रहे हैं उसमें, तो क्या सेंटर है? सैमसंग सेंटर? नहीं, ये दो ही हैं लंदन में। हाँ, अच्छा, ये शॉप्स ही दो हैं। क्या? वेस्टफील्ड। अच्छा। ये दो ही हैं पूरे ये लंदन में। ये उससे बड़ा भी उसके वाले से एरिया के लिहाज से वेस्टफील्ड, वो सामने जो है। हाँ, ये आगे जाके अभी आएगा। अच्छा, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि आपको यहाँ पर हर एक ब्रांड मिल जाता है। अच्छा, ब्रांड मिलेगा हर एक? किस लिहाज से? लाइक क्लॉथ ब्रांड? हर एक टेक्नोलॉजी शूज। स्टेडफोर्ड सेंटर बना हुआ है ना सामने। हाँ, उसमें आपको ग्रॉसरी वगैरह भी देते हैं सारी, उसमें वो है सेंसबेरी वगैरह, सेंसबेरी एलडी वगैरह। फिर तो ठीक हो गया, मतलब कि अगर आपने शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। एक और चीज़ मुझे सस्ते बताओ, ब्रांड भी हैं, अच्छे भी हैं, लंडे वाले भी हैं। लंडे वाले भी हैं? अच्छा, असी मोस्टली लंडे वाले ही करते हैं। एक और चीज, और जेड़े पाकिस्तान जाते हैं सारे इतों लंडे चू लैके जाते हैं। यार वे इतने मंगन वाले भी फोन यूज करते पे, यहाँ पे मांगने वालों ने भी आईफोन रखा हुआ है। इनकी गल है, डिजिटल भी मांग देने, टैप कर दो जे किसी को नहीं है। हाँ, कार्ड तो पे कर दो। मुझे लगता भाई यार लोग बड़े ब्लॉगर तो नहीं मिल रहे। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है, यहाँ पर होटल्स भी हैं, सारा कुछ। अच्छा, एक और चीज़, ये ब्लैक फ्राइडे कब आ रहा है? जल्दी आ रहा है, फिलहाल में इसी मंथ होता है, लास्ट वीक होता है इस मंथ का। अच्छा, क्योंकि मैंने कहीं एक दो जगह पे पढ़ा था कि ब्लैक फ्राइडे 80-90% तक वो लगती है सेल। वो उन्हीं पे लगती है ना जो इन्होंने निकालने होते हैं आर्टिकल। हाँ, जो नए आते हैं वो तो नहीं, उन पे नहीं लगती। वो तो नहीं ना ब्रांड है। की पता लगता है यार, नहीं हो जान से की होने लगा। ये दूर के डोल सुहाने होते हैं, गल नहीं बस बनी है। ये बिल्डिंग और इसके साथ ही है वो जो यहाँ पर ओलंपिक हुई थी ना। हाँ, वो नज़र आ रहा था। स्टेडफोर्ड, ये स्टेडफोर्ड ही जगह जहाँ पर ओलंपिक्स हुई, लंदन में ओलंपिक्स। ये तकरीबन जो स्टेडफोर्ड सिटी इसका नाम है ना। हाँ, ये तब ही पड़ा था ओलंपिक्स की वजह से इन्होंने बनाया था इधर। ये तो ये कह लो कि अब मरकज ही बन गया एक हिसाब से। सही हो गया। इस बार कुवैत में हो रहा है ना क्या ओलंपिक? नहीं नहीं, वो तो हो रहा है फुटबॉल वर्ल्ड कप है। हाँ, कतर है, कतर ओलंपिक्स में। हाँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पर, जो कि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज अक्सर कंस्पिरेंसी भी कर रही हैं उसके खिलाफ। कंट्रीज तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ लोग कर रही हैं। हाँ, वो दिखा रहे थे कि लोग मर रहे हैं वहाँ पे, इतना काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी कोई काम होगा। हाँ, यहाँ पे भी तो होता है। हाँ, हीट होगी वहाँ पर, लोग मरेंगे तो सही ना। ऑब्वियसली जहाँ पर अगर आप बात करें पोलैंड की या स्विट्जरलैंड की, अगर वहाँ पर ठंड में लोग काम करेंगे तो वो भी उधर जम जाएंगे। बिल्कुल, जबकि कतर में तो होती गर्मी है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड वही ना सबसे ज़्यादा।
वो कुछ भी हो सकता है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं आपको। हाँ मतलब वो इसमें चाहिए कि वो कंपनसेशन करें उनके साथ, हाँ, जो मजदूर उधर काम करते हुए मरे हैं, हाँ, ये तो हमारा भी मुतालबा है, ये होनी चाहिए। अगर आप इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक इवेंट पर लगा रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए से कोई एक या डेढ़ बिलियन डॉलर्स आप इस चीज़ पे भी मुहतस करें कि जो लोग इससे सफ़र किया है जिन्होंने, हाँ, उन लोगों को ग्रांट दी जाए। अच्छा मैंने जो मोस्टली देखा है ना, लोग जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं वो H&M और क्या उसको कहते हैं, आप ज़रा इनको लोगों को दिखाएं ज़रा, तो मैं आता हूँ बस। अच्छा जो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर देखा है ना लोगों को शॉपिंग करते हुए, वो प्राइमार्क और H&M से मोस्टली जो होते हैं ना वो शॉपिंग कर रहे होते हैं। ओह थैंक्स गॉड। ये जी आज आपको दिखाएंगे, हम लोगों ने कुछ देखना था लेना था वो दिखाएंगे, बाकी आपको साथ साथ लेके चलेंगे। और यहाँ पे एक ब्लैक फ्राइडे आता है, आई थिंक लास्ट पे आएगा या दिसंबर में आता है, एग्जैक्ट डेट आप चेक कर लें। वैसे वो लगना शुरू हो गई हैं सेल्स वगैरह, तो उस पे तो कहते हैं 90% 80% होता है, तो रिकमेंड करूँगी कि आपको उसी दिन आके ज़्यादा शॉपिंग कीजिएगा। आपने ज्वेलरी लेनी हो अच्छा अच्छा मैं पिछले दिनों देख रही थी कि एक अब तो लोग चैनल को भी कॉपी कर रहे हैं, मेरे जो नाम है उसके नाम से एक और चैनल आया हुआ है, सो मेरा बस यही चैनल है। वैसे मुझे कोई मसला नहीं होता इन चीज़ों से, लेकिन बी केयरफुल, ठीक है। सो जी ये वॉशरूम्स हैं और मैं वेट कर रही हूँ खड़े होके। अच्छा अगर आपने जॉब वगैरह ढूंढनी हो ना तो आप यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो, ये जो ये छोटी आइसक्रीम की या इस तरह की शॉप्स होती हैं ना मॉल्स वगैरह में, तो ये लोग भी हायर कर रहे होते हैं, ठीक है, इस पे भी आपको मिल सकती है और पार्ट टाइम इजीली मिल जाती है। वो आया है वो आगे वहाँ से आगे गुजर गया, सही, हाँ इसको आज ब्लॉग चढ़ गया हुआ है दिमाग में। नहीं नहीं अच्छी बात है, आपको सारे के सारे ब्रांड मिल जाते हैं, इवन जिनके हमने नाम भी नहीं सुने कभी। हाँ इस साइड पे हो तुम्हारी आवाज़, ओए ये कितनी मज़े की आ रही है। नहीं नहीं मैं कह रही थी इस साइड से तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा आएगी ना इसलिए। अच्छा। हाँ साइड पे चलेंगे, मेरे ख्याल में ऊपर है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ये ना हम आगे चले जाएँ तो ये इतना बड़ा कि हमें पता ही नहीं चलता, फिर बाद में अमार को कॉल करो वो कॉल कर रहा है। अच्छा जी वो यहाँ का लंडा बाज़ार प्राइमार्क, जो चीज़ आपने ली मिल जाती हैं जैसे पाकिस्तान में लंडे से अच्छी भी मिल जाती है, बुरी भी मिल जाती है। नहीं अच्छी है जो अच्छी भी मिल जाती है, बुरी भी मिल जाती है। हाँ लो वही ना हमारे टाइप की जो सस्ती सी होती हैं, क्योंकि आते सारी जो है ना आपको आप इतनी हाई फाई शॉपिंग नहीं कर सकते। ठीक है यार ये देखें ये अंदर रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। नाइट भी हो जाए आप जो
सॉरी और सामने सोते हैं मार। ये अब हम जा रहे हैं सैमसंग वाले ने बिल्कुल साम ये सामने सैमसंग है। ओहो किधर रह गए थे भाईजान आप? ये जी ज़ारा लोगों की पसंदीदा ज़ारा लेंगे के इधर को बुलाने के लिए। ओह सॉरी सॉरी क्यों गोरियन बजदा पे है वो अपनी ये जी ये हैं जी सैमसंग वाले कुछ ले होंगे क्या आज पाया चलिए अच्छा जिस टाइम अभी फोन करते हो ना उस टाइम वो बोल दिया पहले ऐसे स्टेशन पे जाना था तो सीधा केड़े स्टेशन में से जाना है ट्रेन स्टेशन ना तो मैं ट्रेन स्टेशन ही जाना है ना हूँ हो बाहर जाना हट दो तू जाना पे हां बैठ ले ना अपनी तू सा किथे जाना यहां से घूम जा हां हो भाई